बच्चों, आज आप लोगों ने सॉइल वैली वर्कशॉप में क्या सीखा? वो एक भारत सरकार द्वारा सर आए थे, उन्होंने ये बताया कि हमारे फील्ड में जो भी यूरिया डाला जाता है, वो जो अनपढ़ फार्मर रहते हैं, वो उनको पता नहीं रहता है कि हम लोगों को कितना फर्टिलाइजर यूज करना है। इससे वाटर को एब्जॉर्ब करने की, हवा को ट्रैप करने की, ये सब जो एबिलिटी है ना, वो सॉइल स्ट्रक्चर एक कंबाइंड रूप में उसको बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। तब जो बहुत ज़्यादा उर्वरक का यूज कर रहे हैं तो उसका सॉइल स्ट्रक्चर है जो कि खराब हो जाएगा। सॉइल स्ट्रक्चर खराब जब एक बार हो गया तो आप उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते रह जाइएगा, फिर भी पौधा ग्रो नहीं करेगा। ठीक ना? मैंने क्लास में क्या बताया, इसके बाद क्या बताया कैसे बताया साइड से? हमको ये ऊपर से रखना है, ठीक है, इसको जो है छीलते हुए ले जाना है। क्यों बताया था? क्योंकि लेयर बाय लेयर होता है। क्या रहता है? हो जाएगा ना? नहीं सर देखिए, नहीं सर बच्चों, आज आप लोगों ने सॉइल वैली वर्कशॉप में क्या सीखा? वो एक भारत सरकार द्वारा सर आए थे, उन्होंने ये बताया कि हमारे फील्ड में जो भी यूरिया डाला जाता है, वो जो अनपढ़ फार्मर रहते हैं, वो उनको पता नहीं रहता है कि हम लोग कितना फर्टिलाइजर यूज करना है। इससे उनकी खेत को बहुत हानि होता है, जिससे उनका खेत का उर्वरता क्षमता धीरे धीरे कम होता जाता है। तो सर ने ये बताया है कि आप अपने खेत को कैसे बचा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग अपना फील्ड को एक ट्रायंगल रूप में और 6 इंच गहरा कोड़ेंगे और उससे 500 आधा के जी मिट्टी लेकर उसमें मिक्स करेंगे। अलग अलग 5 जगह से उस मिट्टी को लेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद वहाँ से उसको सर्कल रूप में सजा देंगे और उसको 4 भागों में बांट देंगे। 4 भागों में से वो 2 भाग निकाल देंगे आमने सामने का,
और आमने सामने का निकालते निकालते हम लोग उसको 400 से 500 ग्राम कर लेंगे। उसके बाद उसको मिक्स करके उनके बेतिया जिले में एक लेबोरेटरी है वहाँ पे भेजेंगे, और वहाँ पे भेजेंगे तो वो उसको टेस्ट करेंगे कि कैसे, वो टेस्ट करके बताएंगे कि हम लोगों को उस कार्ड देंगे जो भारत सरकार द्वारा जारी है, उस कार्ड में बताएंगे कि उसमें कितना यूरिया, कितना फास्फोरस, ये मिनरल्स कितना डालना है, जिससे हम लोगों को खेत बहुत ही बता चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड।